बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बिहार में मंत्रालय के नाम पर जो बंदर बांट हुआ था, उसी बंदर बांट में मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी यादव ने खुलकर विरोध किया। अपने ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाना क्या करप्शन और लूट को खुली छूट देना नहीं है? कई स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने भी विरोध किया, आम लोगों ने भी विरोध किया और आज उसका परिणाम देखने को मिला है। विरोध का कारण क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि मेवालाल चौधरी का ये इस्तीफा मजबूत विपक्ष, मजबूत मीडिया और आम लोगों के मजबूत सवालात की जीत है। खैर, काम के आधार पर कई और मंत्रियों के इस्तीफे भी बनते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए पहले चमकी बुखार और फिर कोरोना महामारी के दौरान सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्था ने निर्लज्ज नंगेपन की नुमाइश की थी, उस व्यक्ति को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल गई है। और जो व्यक्ति शिक्षक भर्ती के घोटालों से जूझ रहा है, जिसके खिलाफ अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिए जाने का मामला चल रहा है, उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। मेवालाल चौधरी की पूरी कहानी समझते हैं। भारत माता की। ये वीडियो है मेवालाल चौधरी की। वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि अभी इन्हें राष्ट्रगान सीखने की जरूरत है। उपकुलपति हुआ करते थे ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। 2012 में 161 असिस्टेंट प्रोफेसर कम साइंटिस्ट की भर्ती होनी थी, लेकिन 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती हुई जिन्होंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन्होंने RTI डाली कि भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो जो मामला सामने आया वो आपको बताते हैं। जिन उम्मीदवारों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, उन्हें प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के यानी कि साक्षात्कार के 20 अंकों में से 5 से भी कम अंक दिए गए। कई उम्मीदवारों को तो 0.1 अंक दिया गया। वहीं पर जिन उम्मीदवारों का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था अथवा खराब था, लेकिन जिनकी भर्ती करानी थी मेवालाल चौधरी जी को, उन उम्मीदवारों को 20 में से 18 से 20 अंक तक दिए गए और एक मेधा सूची तैयार की गई जिसमें योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया गया, अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया। इस घोटाले के मुख्य आरोपी रहे मेवालाल चौधरी। जदयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन जो गवर्नर थे बिहार के, रामनाथ कोविंद, उनसे रिपोर्ट मांगी। सुशील कुमार मोदी ने भी मेवालाल चौधरी के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन 3 साल बीत जाने पर मेवालाल चौधरी के तमाम पाप धुल चुके हैं। कैसे धुले ये किसी को नहीं पता, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपों से जूझ रहे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे शर्मनाक शायद और कुछ नहीं हो सकता। जो राज्य शिक्षा के मानकों पर पूरे देश में अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है, बेरोजगारी जिस राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, पलायन जिस राज्य का सबसे बड़ा दर्द है, उस राज्य में शिक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी गई जिसने VC रहते हुए योग्य उम्मीदवारों की नौकरियां रोकी, अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी प्रदान की। लेकिन विपक्ष, मीडिया और आम लोगों के मजबूत विरोध ने न केवल मेवालाल को झुकने पर मजबूर किया, बल्कि नवनियुक्त NDA सरकार को भी झुकाया। मेवालाल चौधरी का यह इस्तीफा विपक्ष, लोगों और मीडिया की बड़ी जीत मानी जानी चाहिए। इसी तरीके से सवाल उठाते रहिए ताकि लोकतंत्र जीतता रहे। देखते रहिए पॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल। अगर Facebook पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। पॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।